चोरों का साथ कौन देगा, इज्जतदारों का साथ देंगे ना। अच्छा वही तो कह रहे हैं, हमारा साथ दो, चोरों का साथ मत दो। तो उनका कौन देगा, हम तो मोदी का साथ दे रहे हैं। अच्छा मोदी को ही तो चोर कह रहे हैं वो। देन दो, क्या बात का चोर है बताइए। अडानी को सब कुछ दिए जा रहे हैं। अडानी को हाँ। फिर राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है राजस्थान में? फूफा बने बैठे हैं। अच्छा। अडानी किसके फूफा? कांग्रेस के। अच्छा। और हिमाचल में जीजा बने बैठे, छत्तीसगढ़ में दामाद बने बैठे। अच्छा। और बिना होगा झारखंड में दामाद बने बैठे हैं अडानी। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड, ट्रिपल तलाक, 370 राम मंदिर। और बताइए मैडम, और हमारे यहाँ पे आके जाके देखिए, अभी मैं देख के आऊँ बुलंदशहर में एक हाईवे पे काम हो रहा है, और सुनिए रोड पे विकास पे, और अभी मैं आया हूँ, सिर्फ अभी चंद 10 तारीख को आया हूँ, अभी बुलंदशहर पे काम हो रहा है, बुलंदशहर पार हो जाएगा 15 दिन के अंदर। अगर पैदावार ज्यादा हो गई वो आलू भी मोदी करे, मोदी खरीदे इनके। अगर महंगा हो गया, सुनिए, अरे सुनिए, आलू सुनिए, अगर आलू मोदी 20 रुपए खरीदेंगे तो बाजार में जो रोते हो गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगी हो गई, नहीं क्यों नहीं? सुनिए, जब महंगाई का हो गए, जो 20 रुपए मोदी किसान का गेहूं उठाएंगे, और हमारे अंकल ताऊ जो भी है सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम बताते हैं आलू अभी भी 360 रुपए उठ रहा है, खेत में से उठ रहा है। पूछा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं, अमेठी से वो सांसद है, उन्होंने क्या कार्य किया? सांसद बनने भी लायक नहीं, वो प्रधानमंत्री का घंटा बनेगा। वो अमेठी का विकास जो है ना, जो आप सवाल कर रही थी कि अमेठी का विकास क्या हुआ, वो वायनाड में अब वो विकास करके दिखाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट का जो दायरा है, डीटीसी दिल्ली के उसमें आती है, दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, तो दिल्ली सरकार को इन्हें दोष देना चाहिए। एक मिनट, हां जी सरदार जी, क्या नाम है? बताओ सरदार जी, नाम विजय सिंह। हां ये बताइए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो यार हूं बेंच में तो कंफ्यूज हो गया मैं थे। अच्छा चलिए, ये कंफ्यूज मत होइए आप, पंजाब का हाल बता दीजिए आप। प्रधानमंत्री मैम वो होना चाहिए जो काम करे। अच्छा कौन काम कर रहा है पंजाब में, बढ़िया ये बताइए। पंजाब में तो अभी भगवंत मान चल रहा है ना। भगवंत मान चल रहा है और क्या। अरे सर बंदूकें लहराई जा रही है पंजाब में, तो कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने देखा है? हाँ। न्यूज में देखा है हमने, तो न्यूज में देखा, सामने दिखाओ, प्रूफ करो कोई। अच्छा अमृतपाल क्या कर रहे थे, बोलो अमृतपाल क्या कर रहे थे जी? है इनके सात लेयर की सिक्योरिटी चल रही है। अच्छा। है वो खालिस्तान का प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रूफ दो। टीवी पे जो न्यूज दिखाई थी, जो थाने पे हमला करा गया था और उसके हाथ काटे गए हैं, वो भी अब जो वीडियो है वो फिर भी बता रहे हो आप? भैया इससे बढ़िया हम तो प्रूफ नहीं दे सकते, छीना छीन कर दिखा नहीं सकते हम। जिम्मेदार है अपने लड़के के साथ में, अपने लड़के के साथ में पैक दिल्ली में बनाओगे, मोदी जिम्मेदार। अरे मैं हूँ, मेरा बाप कहीं पे अगर कोई शिकायत भी करता बीड़ी पी रहा था भाई पर लट बजाता है। अच्छा। मेरा बाप हिम्मत नहीं है मेरी, जब मोदी लड़का बेटा साथ साथ पी के पैक बनाएंगे, और मोदी जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा। मोदी जिम्मेदार है। भगवान मान एक विदेशी हवाई जहाज से उसको उतरवा दिया गया, दारू पिया हुआ था, भारत देश की इज्जत को तार तार करके रख दिया। ऐसा कौन सा होगा, ऐसा कौन सा नेता होगा, कौन सा घर का बच्चा होगा जो अपने घर की बदनामी करेगा, बताइए आप हमें। अच्छा, कौन होगा ऐसा? बताओ, ऐसा वही होगा जिसका डीएनए में गड़बड़ी होगी। बस सुनिए, और एक बात सुनिए, जो आप बात कर रही थी ना, वो राहुल गांधी के अमेठी जो उनका क्षेत्रपद, पूछा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं, अमेठी से वो सांसद है, उन्होंने क्या कार्य किया? वो तो सांसद बनने भी लायक नहीं, वो प्रधानमंत्री का घंटा बनेगा। वो अमेठी का विकास जो है ना, जो आप सवाल कर रही थी कि अमेठी का विकास क्या हुआ, वो वायनाड में अब वो विकास करके दिखाएंगे। क्या नाम है भैया? कपिल। सर ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी। और जो राहुल गांधी सोच रहे हैं कि मैं अच्छा बुरा बन के बन जाऊं, तो उसका दिल का वहम है। 24 में भी हमें, हाँ 24 में भी हमें, 29 में भी हमें। अच्छा। हाँ वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा मत समझिए कि अब खत्म हो गई है, कांग्रेस अभी है, और जिस तरीके से भाजपा आई है ना कांग्रेस के बाद, उसी तरह से आएगी दोबारा से कांग्रेस। तो चोरों का साथ कौन देगा, इज्जतदारों का साथ देंगे ना। अच्छा वही तो कह रहे हैं, हमारा साथ दो, चोरों का साथ मत दो। तो उनका कौन देगा, हम तो मोदी का साथ दे रहे हैं। अच्छा मोदी को ही तो चोर कह रहे हैं वो। देन दो, क्या बात का चोर है बताइए। अडानी को सब कुछ दिए जा रहे हैं। अडानी को हाँ। फिर राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है राजस्थान में? फूफा बने बैठे हैं। अच्छा। अडानी किसके फूफा? कांग्रेस के। अच्छा। और हिमाचल में जीजा बने बैठे, छत्तीसगढ़ में दामाद बने बैठे। अच्छा। और बिना होगा झारखंड में
दमादमाने बैठे हैं अडानी, बेईमानी कर, बेईमानी किसी कर रखी भैया। हमने भी, हमारा सीनियर है उसी अडानी के शेयर पे पैसे लगाता था, उसने हमें खूब पैदा कराया कराया, अब 50,000 रुपये मुझे घाटा पड़ गया। तो अब दोस्त दें मोदी को, भाई जुआ तो मैं खेल रहा था। जरा सी कंपनी होती है गूगल माइक्रोसॉफ्ट, जरा से इनको घाटे होते हैं, एम्प्लॉय निकाल देते हैं हजारों में। और ये अभी कितने का घाटा हो, जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, कितने करोड़ों का घाटा हुआ, एक एम्प्लॉय निकाला हुआ अडानी ने तो बताइए। राहुल गांधी अब बीबीसी बीबीसी चैनल भांग खाए सो रहे हैं, बीबीसी चैनल ने एक भी रिपोर्ट नहीं दिखाई। अब हिंडनबर्ग कहां गया, 9 लोगों का स्टाफ है, सिर्फ बदनामी करके लोगों को गुमराह करके, लोगों से बिजनेसमैन से भ्रमित करके पैसे हड़पना। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए 24 में? नरेंद्र मोदी। किन कामों की वजह से होना चाहिए, कोई तीन अच्छे काम बता दीजिए। तीन अच्छे काम मोदी जी सारे अच्छे काम है, तीन अच्छे काम क्या बताऊं मैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। गिनवा तो दीजिए तीन अच्छे काम। सब है उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड, ट्रिपल तलाक, 370, राम मंदिर। और बताइए मैडम, और हमारे यहाँ पे जाके देखिए, अभी मैं देख के आऊँ बुलंदशहर में एक हाईवे पे काम हो रहा है, और सुनिए रोड पे विकास पे, और अभी मैं आया हूँ सिर्फ अभी चंद 10 तारीख को आया हूँ, अभी बुलंदशहर पे काम हो रहा है, बुलंदशहर पार हो जाएगा 15 दिन के अंदर, ऐसी स्पीड से काम चल रहा है। इनके यहाँ क्या होता है, गमले में एक एक डेढ़ करोड़ पी चिदम्बरम के गमले में आते थे गोभी, अब हम भी खा रहे हैं, हमें मोदी मैडम कसम से मैं खा रहा हूँ, मोदी ने मुझे दिल्ली बुलाया, क्योंकि मोदी ने पता क्या करा, जैसे इनकी सरकार आई, मैं थोड़ा पहले ही आ गया, इनकी सरकार आई यूपी में, जो मैं करता था ना वो मेरा सब बंद हो गया। क्या हो गया बंद, आज मैं बताता हूँ, किसानों के लिए खाद बंद, रात को मैं फोन करता था सुपरवाइजर को, कहाँ पे मिलोगे, गेट के पास मिलूंगा, बैक गाड़ी से बैक साइड से ट्रॉली लगा देना, पूरी डीएपी की ट्रॉली भर लेते थे। मैं उस जमाने में देता था भैया, झूठ नहीं बोल, सच बोल रहा हूँ, मैंने करा है, कांग्रेस की सरकार में, अखिलेश की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में, एक एक बोलो 300-300 रुपए की मिलती थी, वो मैंने 800-800 रुपए की, 1000-1000 रुपए की ब्लैक में बेची, मोदी जी ने वो कर दिया। हम फिर भी कह रहे हैं कि अब हम हिम्मत पे आ गए अपनी, उस पर 2013 से जब हम जॉब करने आ रहे हैं, तो हमारी अब ये महंगाई पे हमसे कोई बात नहीं करता, किसान की आय की दोगुनी पे कोई हमसे बात नहीं करता है, क्योंकि आप एकदम लिख के लाइए। मैं बताता हूँ मैडम, 2013 मेरी शादी हुई, ठीक है, सोना गोल्ड खरीदा था मैं चुपके से, अपने चैन खरीदी एक तोला की 32,700 रुपए की, सैलरी थी मेरी 8,000, 4 महीने की सैलरी चली गई, 700 रुपए भैया से उधार लिए, तब जाके एक तोला की चैन आई, अब मेरी सैलरी है 26,000, सोना है 56,000, 76 72 78 होते, कितने होते 75,000 रुपए, अब 56 काट दो फिर भी बचत हुई। अब रही किसान की, किसान 2013 में गेहूं था 1400 रुपए, और पेट्रोल थी 76 रुपए, डीजल था 66 रुपए, 10 लीटर डीजल में 700 रुपए का 50 किलो गेहूं बेचते थे, मैं किसान हूं, 50 किलो गेहूं बेचते 700 रुपए के, 10 लीटर डीजल भराया उसमें रुपए बचे मात्र 40 रुपए, आज 2150 रुपए है, 50 किलो गेहूं लेके जाते हैं 1075 का होता है, 2150 रुपए है, सरकारी रेट बात कर रहा हूं, और जो कि मेरे बाप ने खुद बनिया के देख लो जाके अभी जनवरी में बेचा है। ये किसानों की बात कर रहे हैं ना भाई, किसानों के 3 रुपए के आलू बिक रहे हैं, कोई खरीद रहा है 3 रुपए के अंदर, इनके यहाँ फ्री बिक रहे हैं, 3 रुपए बिक रहे हैं, तो यहाँ पर भी 10 रुपए बिक रहे हैं बाजार में, 40,000 की एक किले की एक खेत की, और 3 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं, सड़ रहे हैं, जाके देखो आलू सड़ रहे हैं। अगर पैदावार ज्यादा हो गई वो आलू भी मोदी करे, मोदी खरीदे इनके, अगर महंगा हो गया, सुनिए अगर आलू मोदी 20 रुपए खरीदेंगे तो बाजार में जो रोते हो गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगी हो गई, क्यों नहीं सुनिए, सुनिए जब महंगाई का हो गए, जो 20 रुपए मोदी किसान का गेहूं उठाएंगे, और हमारे अंकल ताऊ जो भी है सरासर झूठ बोल रहे हैं, हम बताते हैं आलू अभी भी 360 रुपए उठ रहा है, खेत में से उठ रहा है, कह रहे सड़ रहा है, हम क्यों झूठ बोलेंगे, हम खेती बाड़ी करते हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे, प्रूफ देते हैं, चलिए मेरे साथ 360 रुपए खेत में उठ गया मैडम, हम लोग कंपनी को पहले ही कर देते हैं।